अनिर्वाच्य वेद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवत विवर्ताय शेते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्च भूद्विश्वं चरम चरमुचवचमिदं नमामस्तद्ब्रह्म परिमितसुखज्ञानममृतम् ओम शांति 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 नारायण। ब्रह्म सूत्र में है ब्रह्म जिज्ञासा जो पद है अंतिम पद उसके ऊपर विचार है। ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, इच्छा होती है ज्ञान की, और किसका ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। तो केवल ज्ञान मात्र नहीं, जिस ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसी ज्ञान को ही यहाँ पर लेना है। इसलिए भवन भाष्यकार ने कह दिया अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्यया इच्छाया कर्म फल विषयत्वात् इच्छाया, ये बात कह दी। जो ज्ञान अवगति पर्यंत हो, अवगति है साक्षात्कार, हैं अपने स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए वहाँ तक ज्ञान होना चाहिए, है ना, वही है इच्छा का विषय। ये सन वाच्य, ये सन कहते ना सन प्रत्यंत, जिज्ञासा में सन प्रत्यय होता है व्याकरण के अनुसार, उसका अर्थ होता है इच्छा। और इच्छा का कर्म मतलब इच्छा का विषय ज्ञान होता है, ज्ञान की इच्छा हो रही है ना। और क्यों भाई बोले फल विषय होता इच्छा, यह इच्छा का विषय तो यहाँ पर फल है ना, मोक्ष होता है, और मोक्ष का उपाय होता है ज्ञान, ऐसे ज्ञान की यहाँ पर इच्छा हो रही है। ये बात यहाँ पर कह दिया है ना। ये जो कह दिया फल विषयत्वाद इच्छाया, यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए भामति में, फल विषयत्वाद इच्छाया है तद उपायम फल पर्यंतम गोचरयति इच्छा इति शेषः, इतना अध्ययन कर लो। फल विषयत्वाद इच्छाया, इच्छा का विषय होता है फल, फल मोक्ष होता है फल, समझ में ना। और तद उपायम, और मोक्ष का उपाय क्या होता है? साक्षात्कार ज्ञान। इसको कहा फल पर्यंतम, जो ज्ञान आपको फल को प्राप्त करा दे, ऐसा ज्ञान को यहाँ पर कहा जा रहा है। और उसी को यहाँ पर इच्छा शब्द विषय करता है, गोचरयति इच्छा, इच्छा विषय करती है ना ज्ञान को, जो ज्ञान उपाय है, फल का उपाय है, इतना समझना है। अच्छा भाई, आप लोगों को मिल गया पेज नंबर? कौन सा पेज नंबर भाई बोलिए, पेज नंबर 90 देखो 90। अच्छा, ननो टीका में भामति में भवतु अवगति पर्यंतम ज्ञानम किम एतावता अपिष्टम भवति, ठीक है ज्ञान अवगति पर्यंत हो, है अवगति ना साक्षात्कार, है ब्रह्माकार वृत्ति में साक्षात्कार हो जाए ना, इसी का नाम होता अवगति। ऐसा साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान हो ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमको? किम एतावता अपिष्टम,
ऐसे ज्ञान हमारा क्या इष्ट, हमारे लिए क्या इष्ट होगा। ये बोलते हैं, अरे भाई जो हमारा काम का हो ऐसे ज्ञान को लेना चाहिए। साक्षात्कार आत्म ज्ञान हो गया तो क्या मिलेगा हमको, क्या धन संपत्ति थोड़ी कुछ मिलेगी। ये बोलते हैं, नहीं अनपेक्षणीय विषयम अवगति पर्यंतम अपि ज्ञानम इष्यते। अवगति पर्यंत ज्ञान भी हमको इष्ट नहीं है, ये भी हमको नहीं चाहिए। हाँ क्यों नहीं चाहिए, अनपेक्षणीय विषय, भाई ये तो अपेक्षा ही नहीं है, ये है कि नहीं। अवगति पर्यंत ज्ञान हो गया तो क्या मिलेगा हमको, ना स्वर्ग मिलेगा ना ब्रह्मलोक मिलेगा, क्या उसकी मुक्ति होगी। इसलिए जो विषय अनपेक्षणीय हो, अपेक्षा का विषय ही नहीं है, समझ में ना, तो ऐसा अवगति पर्यंत ज्ञान भी हो गया तो क्या मिलेगा हमको, है ना। इसलिए अवगति पर्यंत ज्ञान हमारे लिए इष्ट तो है ही नहीं, अर्थात इस ज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं मान रहा हो। क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं ना, बड़े बड़े ज्ञानी भी दुखी है, क्योंकि हम ज्ञानी के व्यवहार को हम देखते हैं। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सा बीमार हो रहा है, कौन सी दवाई खा रही है, उसी को देखते हैं, उसके स्वरूप को हम तो नहीं जान पाते। इसे लोगों को भ्रांति हो जाती है ना, हाँ। इसलिए ज्ञानी के जो स्वरूप है उसको तो नहीं जान सकते अज्ञानी, इसलिए ज्ञान को मोक्ष का है तो हम कैसे कहेंगे, ये अभिप्राय है, ठीक है ना। इत्यतः आप सुनो, बताते हैं भाष्यकर भगवान कह रहे, ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंतुम इष्टम ब्रह्मा। जो आत्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप ब्रह्मा, विज्ञानम अनंत ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये श्रुति बोलती है ना। तो ब्रह्म तो आनंद का स्वरूप है, आनंद को नहीं चाहते, सब चाहते हैं। इष्टम ब्रह्मा भाष्य में आया, ब्रह्म तो प्राप्त करने योग्य है, वो इष्ट है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, पहले ज्ञाने न ज्ञानी नहीं अवगंतुम इष्टम भवति। और ज्ञान कैसे होगा, बोलते हैं प्रमाणी न। प्रमाण मतलब क्या लेना है यहाँ पर, ब्रह्माकार वृत्ति है ना। श्रवण मनन निध्यासन करने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, उस ब्रह्माकार वृत्ति से आवरण की निवृत्ति हो जाती है। आवरण की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म तो अपना स्वरूप है। इसलिए ऐसा ज्ञान हमको चाहिए, जो ज्ञान आवरण को दूर कर दे, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करा दे, ऐसा ज्ञान यहाँ पर इष्ट है। ये बोलते हैं भाष्य में, देखो एक बार, ज्ञाने नहीं प्रमाणे न, प्रमाण रूपी ज्ञान मतलब ब्रह्माकार वृत्ति रूपी जो ज्ञान है उसी से ब्रह्म प्राप्त होता है, इष्ट है इसलिए। अच्छा भाष्य में आएगा, देखो, ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ। ये जो ब्रह्म का जो साक्षात्कार है ना भाई, यही पुरुषार्थ है। कुछ भी कर लो, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या मिलेगा आपको, कुछ तो मिलने वाला है ही नहीं। थोड़ी टीका ले लो, भवतु ब्रह्मा विषय अवगति। अवगति है साक्षात्कार, किसका साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार। इले साक्षात्कार का विषय हो गया ब्रह्म, इले ब्रह्म विषया अवगति ही, ब्रह्म विषयो यस्या है ना, ब्रह्म विषय साक्षात्कार है, ब्रह्म का ही साक्षात्कार करना है। एवमपि कथम इष्टा, फिर भी ऐसा साक्षात्कार क्यों इष्ट होगा, अरे यही तो पुरुषार्थ, और क्या है, मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ यही है, अपना स्वरूप जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार करना, यही पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ तो है ही नहीं। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया, ब्रह्म अवगति ही मर, क्योंकि क्योंकि पुरुषार्थ कौन, ब्रह्म का अवगति मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार ही पुरुषार्थ है। अच्छा ये जो पुरुषार्थ कहते हो आप, क्या ये अभिधेय है, टीकाकार लिखते हैं, किम अभ्युदय है,
तो ये जो पुरुषार्थ आप कहते हो भाई, चार पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम इसको बोलते हैं अभ्युदय। इसका नाम अभ्युदय होता है ना, पारलौकिक सुख होता है, यही अभ्युदय। पुरुषार्थ से क्या अभ्युदय को लेना है? प्रश्नवाचक देखो, किम अभ्युदय, तुम्हारा पुरुषार्थ जो है क्या अभ्युदय है? हाँ बोला ना, नहीं नहीं ऐसे पुरुषार्थ नहीं। ऐसा जो अभ्युदय पुरुषार्थ, ये तो भी कर्म से हो सकता है, उपासना से हो सकता है, है ना। अभ्युदय स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, ये जो पुरुषार्थ है ये तो अभ्युदय हो, स्वर्ग आदि, ये तो कर्म आदि का फल होता है ना। ये ज्ञान का ये फल है पुरुषार्थ, ये ऐसा नहीं है अभ्युदय ना। किंतु निःश्रेयसम, निःश्रेयस मोक्ष, निश्चितम श्रेयः इति निःश्रेयसम। मोक्ष को कहते हैं परम पुरुषार्थ, जो मोक्ष है यही होता है निःश्रेयस, है ना। तो इसी को लेना यहाँ पर। अभिद्य रूपी फल को नहीं लेना है, निःश्रेयस मोक्ष को लेना है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, यही मोक्ष और क्या। ये बोलते हैं आगे, विगलित निखिल दुख अनुसंग परमानंद घन अब्रह्म अवगतिर ब्रह्मण स्वभाव। ये जो साक्षात्कार जो है ना ब्रह्म की अभिगति, ये ब्रह्म का स्वरूप ही है और कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। और साक्षात्कार ब्रह्म का स्वभाव होता है। हाँ, ब्रह्म यदि ज्ञान स्वरूप न होता ना, उसके लिए कोई प्रमाण आदि की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो ब्रह्म का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए साक्षात्कार ब्रह्म का स्वरूप ही हो गई, ये बोलते हैं। देख लो है ना, कैसे ब्रह्म बोलते हैं, विगलित निखिल दुख अनुसंग। अरे आए भैया, आप तो अज्ञान से दुख का संबंध बना लिए हो। है कि नहीं। इसे बोलते हैं दुख का जो अनुसंग है जिससे समाप्त हो गया, अनुसंग बोलते हैं संबंध को। अज्ञान से आपने संबंध बना लिया ना अपने स्वरूप में, हाँ, अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो दुख का अनुसंग रहा नहीं। विगलित निखिल दुखानुसंग, विगलित निखिल दुखानुसंग जस्मा, है ना, जिससे दुख का संबंध। दुख से यहाँ पर सुख को ले लो। ये सुख दुख ये सब अंतकरण का धर्म है, अंतकरण का धर्म अंतकरण में रहेगा, अपने स्वरूप में क्यों होगा। स्वरूप तो अधिष्ठान है भाई, है ना। अंतकरण भी कल्पित है, अंतकरण का धर्म भी कल्पित है, अंतकरण का भी संबंध नहीं बोलता है कुटस्थ से, और अंतकरण के धर्म का संबंध भी नहीं बनता है। इसलिए बोलते हैं विगलित निकला दुख अनुसंग। वो कौन है? परमानंद घन ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप जड़ नहीं है, है? वो सच्चित आनंद स्वरूप है। कैसा आनंद है? बोलते हैं कि परमानंद, परमश्चासु आनंद इति परमानंद, मतलब उत्कृष्ट आनंद है। उत्कृष्ट आनंद मतलब क्या? निरतिशय आनंद। परम का अर्थ है निरतिशय और नित्य, इससे बड़ा कोई आनंद है ही नहीं और नित्य भी है। ऐसा जो परमानंद है, कभी कभी तो और कुछ होगा अंदर, थोड़ा वो दुखों का मिलावट तो हो सकता है। बोलते दुखों का मिलावट कहाँ से होगा, स्वरूप में आनंद ही आनंद है। इसलिए बोलता घना बोल दिया, परवा आनंद घना, आनंद ही आनंद है। जैसे सेंधा व घना बोलते हैं नमक का ढेला, नमक ही नमक होता है, ऐसे अर्थ में होता है घना प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय नहीं, घना शब्द होता है। घना मतलब ठोस, परमानंद घन मतलब परमानंद ही है। ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म की जो अवगति है साक्षात्कार, यही तो ब्रह्म का स्वभाव ही है, ब्रह्मण स्वभाव।
इति साएव निश्रेयसम पुरुषार्थ। ऐसा जो ब्रह्म का साक्षात्कार है यही है मोक्ष और क्या, इसी का नाम निश्रेयसम, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, है ना। परमानंद ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना यही पुरुषार्थ है, इसलिए मनुष्य जीवन है और क्या। इति अच्छा भाई स्यात एतत्, टीका में ले रहे हैं भाई, ठीक है भाई। न ब्रह्म अवगति पुरुषार्थ, फिर भी ब्रह्म का साक्षात्कार को पुरुषार्थ हम क्यों कहेंगे भाई। पुरुषार्थ वही होता है, हैं, तो जिसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं। हाँ, कुछ व्यापार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो है कर्म हो उपासना हो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हैं, जो व्यापार से प्राप्त होता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। अब ब्रह्म का स्वरूप तो उसमें क्या हो, तो स्वभाव ही होता है, वो क्या पुरुषार्थ होगा ये बोलते हैं। देखो पुरुष व्यापार व्याप्य हुई पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इसी को कहते हैं जो व्यापार से संबंध होता हो, मतलब व्यापार से प्राप्त होता है। व्याप्य का अर्थ संबद्ध, हाँ, आप कुछ करेंगे है कि नहीं भाई, अनुष्ठान कर लो, ध्यान कर लो, कुछ कर लो, हैं, उससे जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और ब्रह्म का स्वभाव वो तो स्वभाव ही है, हाँ, वो तो नित्य है, जो नित्य पदार्थ है वो क्या पुरुषार्थ होगा, ये कहने का मतलब है ना। पुरुषार्थ उसको कहा जाता है जो व्यापार से संबंध होता हो, पुरुष व्यापार व्याप्य ही पुरुषार्थ। और न चाह ब्रह्म स्वभाव भूताया, हाँ, ये जो ब्रह्म का जो साक्षात्कार कहते हो ये तो ब्रह्म का स्वभाव है वो है कि नहीं, तो वो कैसे पुरुषार्थ बनेगा ये बोलते हैं। देखो ना उसकी ना उत्पत्ति होती है, ना उसका कोई विकार होता है, ना संस्कार होता है, ना कोई प्राप्ति होती है, ये बोलते हैं देखो, है ना। हाँ, इसलिए चार प्रकार का जो है, कर्म ले लो, उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य प्राप्य, ये पहले भी आया विचार, ठीक है ना। हाँ, उत्पत्ति, कोई उत्पत्ति हो जाती है और कहीं विकार हो जाता है, कहीं संस्कार हो जाता है, कहीं प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं जो पुरुषार्थ कहा जाता है। अब ब्रह्म का स्वभाव ना उसकी उत्पत्ति होगी ना उसमें कुछ विकार हो सकता है, समझ में ना, ना उसमें कोई संस्कार हो सकता है, ना वो कोई किसी से प्राप्ति होगी, हैं, ये बोलते हैं। देखो जैसे उत्पत्ति मान लो, उत्पत्ति ऐसे मान लो जैसे स्वर्ग की उत्पत्ति हो गई, स्वर्ग सुख की उत्पत्ति हो गई, अतः मान लो आप भोजन बनाते हो, मकान बनाते हो, इसकी उत्पत्ति हो गई, और कहीं विकार होता है, विकार है कार्य, जैसे दूध का विकार हो गया, दही मान लो और कहीं संस्कार करते हो, संस्कार करना पड़ता है ना, जैसे चावल को जो है वो भूसी को निकाल दिया, ब्रहीन प्रोक्षति है कि नहीं, तो चावल का संस्कार हो गया अभी, हाँ, षोड़श संस्कार करते हो, ये संस्कार हो गया, और कहीं प्राप्ति होती है ना, अध्ययन करना हो तो गुरु के पास जाना पड़ता है, ये अध्ययन की प्राप्ति हो रही है, ना किसी गांव को जाए, किसी गांव में जा करके उसको आप प्राप्त करते हो, ये होता है पुरुषार्थ। अब ब्रह्म का जो स्वभाव है ना उस वो ना किसी से उत्पत्ति होगी, ना किसी का विकार होगा, वो तो निरवय पदार्थ है भी, वो विकार का ही को होगा, और संस्कार भी नहीं हो सकता, वो तो नित्य शुद्ध है, उसका क्या संस्कार होगा है कि नहीं। और नित्य प्राप्त ही हो, उसकी क्या प्राप्ति होगी, जो पहले से, आकाश की क्या प्राप्ति होगी, आकाश तो पहले से है, ये बोलता है। तथा सती, और यदि मानोगे है ना, तो मोक्ष जो ब्रह्म का स्वरूप है उसकी आप उत्पत्ति मानोगे, उसका विकार मानोगे, उसका संस्कार मानोगे, उसकी यदि प्राप्ति मानेंगे तब तो अनित्य हो जाएगा नारायण। तथा सती का मतलब उत्पत्ति आदि उसे मानेंगे तो
ये तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ मोक्ष कहते हो तब तो अनित्य हो जाएगा भी, और जो अनित्य होगा ब्रह्म का स्वभाव कैसे होगा बताओ। इसलिए तत्स्वभाव्य अनुपत्ते, उसको ब्रह्म का स्वभाव कैसे कहोगे? ब्रह्म जैसे है जो है नित्य है, ब्रह्म का स्वभाव भी नित्य होगा ये बोलते हैं। न च उत्पत्त्यादि अभावे व्यापार व्याप्यता, और जिसकी उत्पत्ति आदि नहीं होती है उसमें क्या व्यापार होगा बताओ, है ना? जिसकी उत्पत्ति न हो, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई संस्कार न हो, और जिसकी कोई प्राप्ति न हो, हाँ, उसका व्यापार, उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती, कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। फिर व्यापार व्याप्यता न च, व्यापार का संबंधी वो नहीं बनता है। व्याप्यता का अर्थ संबंधी, मतलब व्यापार का संबंध उसमें कुछ बनेगा नहीं, व्यापार मतलब क्रिया पुरुषार्थ है कि नहीं। इसलिए जो है तुम्हारी बात हम कैसे मानेंगे? तस्माद न ब्रह्म अवगति पुरुषार्थ, ये जो ब्रह्म का साक्षात्कार बोलते हो ये पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये पुरुषार्थ स्वर्ग की प्राप्ति ले लो, ब्रह्म लोक की प्राप्ति ले लो, है कि नहीं, इसको आप पुरुषार्थ कह सकते हो। ब्रह्म का साक्षात्कार का पुरुषार्थ हम कैसे कहेंगे? ये होता है पूर्व पक्ष भाई, स्यात एतत् से लेकर के यहाँ तक हो गया पूर्व पक्षी। हाँ, कुछ संकेत निशान लगा कर रखना भाई, टीका में लाल पेन से रख दिया, यहाँ से वहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया। अत आह, देखो हम बताते हैं, सुनो क्या सुनना है, भाष्यकार ने बता दिया। निःश्रेयस संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निवरणा ये बोलते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो समस्त संसार का जो बीज है अविद्या, समझ में ना, समस्त संसार का बीज कौन होता है? अविद्या ही होती है ना। हाँ, इसलिए जो है अज्ञानादेव ही संसार हो, ज्ञानादेव विमुच्यते, अविद्या से ही संसार होता है। समस्त संसार का बीज तो कौन है? अविद्या है भाई अविद्या। और आदि से क्या ले लो? आदि से ले लो उसका संस्कार ले लो, कामना ले लो, कर्म ले लो, ये जो अविद्या काम कर्म है कि नहीं, यही तो अनर्थ है। और क्या है अनर्थ? यही है, अविद्या हो तो अनर्थ तो होगा ही होगा ये बोलते हैं, है ना? चलिए और स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो अविद्या की निवृत्ति हो गई, बस मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए अविद्यास्तमयो मोक्ष नित्यानंद प्रतिदित कहते हैं, अविद्या की निवृत्ति हो गई तो यही मोक्ष है, और कुछ करना नहीं पड़ता है। टीका थोड़ी ले लो है सत्यम, एकदम बात सही है सत्यम। ब्रह्मा अवगतो ब्रह्म स्वभावे न उत्पत्त्यादयः संभवति। देखो क्या बोलते हैं भैया, कहते हैं कि ब्रह्मा अवगतो, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया ठीक है ना, तो उसमें वो तो ब्रह्म का स्वभाव है भाई। ब्रह्म का साक्षात्कार जो है ना वो तो ब्रह्म का स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वभाव है ये, इसलिए उसमें न उत्प्यादय संभवति, उसमें उत्पत्ति आदि तो संभव नहीं है। फिर भी तथापि, तथापि देखो क्या विचार करते हैं, अनिर्वचनीय अनादि अविद्यावशा है, ये जो आपकी अविद्या है ना ये कैसा है? अनिर्वचनीय है, ये वास्तविक सत्य पदार्थ नहीं है अविद्या, ये तो कल्पित आपने आरोप कर लिया। और क्या अनिर्वचनीय अनादि अविद्या के कारण वशादल कारण ब्रह्म स्वभावो, ये जो ब्रह्म का जो स्वभाव है स्वरूप, आपका स्वरूप परमानंद स्वरूप है,
होने पर भी अविद्या के कारण वो जो ब्रह्म का स्वभाव जो परमानंद है ना, उसका प्रकाश नहीं हो पाता है। ये कह रहे देखो, अपराधिना प्रकाशोपि, उसका प्रकाश तो पराधीन नहीं होता, अपराधीन है। ध्यान से सुनिएगा तब बात पकड़ में आएगी, है कि नहीं। बोलते हैं ब्रह्म का जो स्वभाव है परमानंद, वो तो चेतन स्वरूप है वो, इसलिए परमा ब्रह्म का जो प्रकाश होता है वो किसी से पराधीन नहीं है। लेकिन वो ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्म का जो प्रकाश है साक्षात्कार प्रकाश है, वो किसी से पराधीन नहीं होता, अपराधीन प्रकाश है, अपराधीनम प्रकाशः यस्य, ठीक है ना। होने पर भी वो अविद्या के कारण है ना, लगता है कि स्वरूप का भान नहीं हो रहा है, बड़ा विचारणीय है। स्वरूप का भान नहीं हो पाता है ना। पाठ क्या है, प्रतिभानम अपि है कि प्रतिभासमानम अपि, क्या पाठ आपके हो, प्रतिभास है, हाँ शॉर्ट है, अच्छा है, वो अच्छा है। प्रतिभासमानम अपि न प्रतिभाति इव, ये देखो भाई है ना, ब्रह्म का जो प्रकाश है ना वो तो संप्रकाश है, नारायण संप्रकाश है, इसलिए भान तो होता है ब्रह्म का, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, फिर भी न प्रतिभाति इव, लगता है कि उसका भान नहीं हो रहा है। बड़ा विचार करके देख लो आप, आत्मा का स्वरूप है आनंद, ठीक है ना, पंचोदशी में भी विचार आया। बोलते हैं विज्ञानम आनंद ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप तो आनंद है कि नहीं, आनंद आपका स्वभाव है, ठीक है ना। तो विचार कर लो, आनंद आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, उसका भान होता है कि नहीं होता है, ये विचार है। स्वरूप का भान तो होगा, स्वरूप हो और भान न हो ऐसा कैसे होगा, है कि नहीं। मेरा स्वरूप आनंद है, आनंद रूपता का भान होता है कि नहीं होता है। बोलते हैं कि देखो, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है, भान होने पर भी लगता है कि भान नहीं हो रहा है, ये अविद्या के कारण, ठीक है ना। हाँ, यदि बिल्कुल भान ना होता, आनंद रूपता का भान यदि बिल्कुल ना होता है, तो अपने आप से प्रेम कैसे होता है, सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। आत्मा से करते हैं कि जो है वो पुत्र आदि से करते हैं, विचार करके देख लो। हाँ, अत्यंत प्रेम तो आत्मा से ही होता है, भले आप बोलते रहो व्यवहार में आप हमारे परम प्रिय है। आप हमारे परम प्रिय है वो भले ही बोलते रहो, लेकिन परम प्रिय तो आत्मा ही होता है कि नहीं, अनुभव में बैठा कर रख लो। इसलिए अत्यंत प्रिय होता है कि आत्मा का स्वरूप आनंद रूप है, आनंद रूप का भान तो होता है सामान्य रूप से, बिल्कुल नहीं होता ऐसी बात नहीं है। और वो जो स्वरूप आनंद रूपता का जो भान हो रहा है वो किससे हो रहा है, इंद्रिय से हो रहा है, मन से हो रहा है, कि आदित्य के प्रकाश से हो रहा है, कि बल्ब के प्रकाश से हो रहा है, किससे हो रहा है, आपके स्वरूप से ही होता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही चेतन है, स्वयं प्रकाश है, और आपका स्वरूप आनंद है कि नहीं। इसलिए स्वरूप आनंदता का भान तो वो होता ही है सबको, है कि नहीं, सामान्य रूप से, लेकिन विशेष रूप से नहीं हो पाता है, इसमें अविद्या पड़ी है, आवरण पड़ा है, लेकिन विशेष रूप से भान नहीं होता है अविद्या के कारण, इसलिए आपको फिर भ्रांति हो गई है। उस अविद्या के दो अंश है, दो शक्ति ले लो, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, है ना, बैठा कर रख लो वेदांत को, जीवन में अनुभव में बैठा कर रख लो। यही यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, आपका स्वरूप आनंद रूपता है, फिर भी जो भान तो होता है कि नहीं, भान होता है लेकिन विशेष रूप से भान नहीं होता है, उसमें आवरण शक्ति प्रधान अविद्या है। मेरा स्वरूप तो आनंद ही है,
और कहीं आनंद है ही नहीं, ये अनुभव नहीं होता, इसका नाम होता आवरण। फिर विक्षेप क्या कर देती है? विक्षेप जो है ना आपके आपको अपने स्वरूप से हटा देती है, सच में है ना, जो वस्तु जिसमें नहीं है वो दिखा देती है, यही है विक्षेप शक्ति प्रधान अविद्या। विषय में सुख नहीं है, विषय में सुख नहीं है, फिर भी विषय में सुखता सुख रूपता है, विषय में सुख है, ये होता है विक्षेप। लड्डू दी गए, अरे वे क्या लड्डू है, यही तो अमृत है। इसी का नाम होता है विक्षेप। विषय में सुख न होने पर भी विषय में सुख रूपता का भान करा देना, यही है अविद्या। कौन अविद्या? विक्षेप शक्ति प्रधान अविद्या, है कि नहीं, यही यहाँ पर कह रहे हैं, है ना? देख लो भाई, कहते हैं कि पंक्ति लगा लो ठीक से है? तो अपराधी न प्रकाशोपी, हम आए ब्रह्म का स्वभाव तो पराधीन प्रकाश नहीं है, भान तो होता है, इसलिए प्रतिभासमानम अपि, भान तो होता है सामान्य रूप से। नहीं होता ऐसी बात नहीं है, है ना? फिर भी न प्रतिभाति, वो आवरण के कारण लगता है कि भान नहीं हो रहा है, तब तो विषय में दौड़ता है। इसलिए कह रहे थे पराधीन प्रकाश ही वो, ये देखो ये भ्रांति लोगों को हो जाती, मेरा प्रकाश तो पराधीन प्रकाश है, है कि नहीं? हाँ, मन का व्यापार हुआ तो मन से क्या होता है, मन से जो है भाई ये विचार है ना, मन से सुखाकार वृत्ति हो गई, सुखाकार वृत्ति हो गई तो मन से सुख हो रहा है, लो ऐसा हो जाता है। लड्डू दिख गया, लड्डू दिख गया तो सुखाकार वृत्ति हो जाती है, सुखाकार वृत्ति तो मन से होती है, ये लगता है कि सुख जो मन से हो रहा है और क्या, इंद्रिय से हो रहा है, ये बोलते हैं पराधीन प्रकाश ही वो। और क्या, इतना नहीं, देहादि देह इंद्रियादिभ्यो भिन्नो अपि, आपका स्वरूप तो देह से इंद्रियादि से भिन्न है। ये देखो देह इंद्रियादि से भिन्न है आपका स्वरूप, यदि भिन्न न होता तो देह इंद्रियादि के बिना आपका भान न होता, विचार कर लीजिए। देह इंद्रियादि से आत्मा का स्वरूप यदि भिन्न न होता तब तो देह इंद्रियादि के बिना भान न हो आत्मा का, सुषुप्त में जाते हो तो कहाँ देह का भान होता है क्या, ना देह का भान होता है ना इंद्रिय का भान होता है, तो आपका भान किससे हो रहा है? है ना, ये बोलते हैं। इसलिए ऐसे सिद्ध होता है देहादि से आप भिन्न ही हो, भिन्न होने पर भी क्या होता है भाई, अध्यास हो जाता है ना। अविद्या के कारण जो अध्यास हो जाता है, ये लगता है कि यही मैं हूँ, बस मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यही हूँ, ये मोटा हूँ पतला हूँ, लगता है कि मैं अभिन्न हूँ। कहाँ भान होता है, अहम मनुष्य कहने से एकदम दोनों को मिला करके बोलते हो, बिल्कुल विवेक नहीं हो पाता है, ये लगता है कि देखो देह इंद्रियादिभ्यो भिन्नो अपि अभिन्न एव भासते। देखो भावतिकार क्या बोलते हैं, अभिन्न की तरह मालूम पड़ता है, जैसे मान लीजिए दूध में डाल दिया पानी, दूध में डाल दिया पानी तो क्या विवेक होता है, दूध अलग है और जल अलग है, कहाँ होता है? दूध दूध यदि 50 रुपये में बिकता है तो पानी भी बिक जाता है 50 रुपये में। किसी वगैरह आत्मा चेतन तो है ही, तो चेतन स्वरूप आत्मा से संबंध हो गया शरीर का, संबंध कुछ होता नहीं मान लेता है, तो शरीर भी चेतन की तरह दिखता है क्या? रतमय भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, आत्मा चेतन होने से उसका संबंध हो गया, अध्यास हो गया शरीर से, तो शरीर भी चेतन मालूम पड़ता है और क्या। इसी प्रकार इसलिए अस्थि भाति प्रिय, ये देखो अस्थि भाति प्रिय ये आत्मा का स्वरूप है, आज शरीर में हो रहा है कि नहीं देखो, है शरीर है कि नहीं, और कह चेतन चेतन को भी मान रहे हो, है शरीर में प्रियता भी मालूम पड़ रही है, अस्थि भाति प्रिय ये तो आत्मा का स्वरूप है भाई, फिर भी शरीर में ही अध्यास हो रहा है ना, ये बोलते हैं। देह इंद्रियादिभ्यो भिन्न अपि अभिन्न एव भासते, अभिन्न की तरह मालूम पड़ता है,
इति संसार बीजा विद्यादि अनर्थ निवारणा प्राक है, इसकी निवृत्ति से पहले संसार का बीज जो अविद्यादि है ना, यही हो गया अनर्थ। समझ में ना, अनर्थ दुनिया में और कुछ नहीं है, यही अनर्थ है। अविद्या आदि से ले लो संस्कार काम कर्म, यही हो गया अनर्थ। इसकी निवृत्ति से पहले प्राग है ना, अप्राप्त इव, ये जो ब्रह्म का स्वरूप जो परमानंद है तो हाँ है तो ये पहले से है, लेकिन अविद्या निवृत्ति से पहले अप्राप्त इव, प्राप्त है ही नहीं है। मैं प्राप्त करना चाहता हूँ परमानंद को, है कि नहीं, फिर अप्राप्त जैसा लगता है, ये बोलते हैं भाई है ना। तस्मिन सति प्राप्त इव भवति, और अविद्या की निवृत्ति हो गई तो परमानंद जो मोक्ष है वो क्या अप्राप्त हो गया, मानते ना। वो तो दृष्टांत देते हैं सब कथा का, लोग जानते हो आप लोग, माला का दृष्टांत देते हैं आप लोग है कि नहीं। अविद्या के कारण लगता है कि माला कहीं चली गई, माला है ही नहीं, कहीं खो गई माला, और कोई बोल दिया माला तुम्हारे गले में है ग्रीवा में है तो थोड़ी प्राप्त हो गई, वो तो पहले से ही प्राप्त है। माला तो प्राप्त की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त का प्राप्त प्राप्त की प्राप्ति होती है, ये बोलते हैं। इति इसलिए जो है क्या कहते हैं, पुरुषेण अर्थमानत्वाद, पुरुष जो है व्यक्ति, पुरुष मतलब व्यक्ति साधक, वही चाहता है पुरुषार्थ को है ना, जो प्राप्त वस्तु है, जो अविद्या से जो अप्राप्त हो गया है उसको अविद्या के निवृत्ति से प्राप्त जैसा होता है, इसलिए पुरुषार्थ हो गया, इसी का नाम है पुरुषार्थ, पुरुष उसको चाहता है वो। इति युक्तम, ये कहना युक्ति युक्त है ना। अविद्यादि आदि ग्रहण है ना, देखो वे नारायण ये भाष्य में कहा ना, निशेष संसार बीज अविद्यादि है, आदि शब्द से क्या लेंगे, भामतिकार कह रहे हैं अविद्यादि इति आदि ग्रहण है ना, तत्संस्कारो अवरुद्धते। ये देखो उस संस्कार का भी आप ग्रहण कर लो, अविद्या अविद्या से होता है फिर संस्कार होता है, और क्या, ये दो अविद्या नहीं मानते हैं ना, है कि नहीं, बुला विद्या तुला विद्या नहीं मानते, ये दो अविद्या नहीं मानते, बस एक ही अविद्या है बस, उसका जो संस्कार है ना कार्य है ना वो मानते हैं, इसलिए बोलते हैं संस्कार। अविद्या है उससे होता है संस्कार है, बस यही होता है अनर्थ। अच्छा और थोड़ा ले लें, अविद्यादि निवृत्ति, ये अविद्या आदि की निवृत्ति किससे होती है, बोलते हैं हाँ, ज्ञान से होती है। कौन सा ज्ञान, बोले चरम वृत्ति ज्ञान, निध्यासन करने पर, श्रवण किया मनन किया फिर निध्यासन किया, निध्यासन करने पर जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, चरम ब्रह्माकार वृत्ति, जिस चरम वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है ना, उसको कहते हैं ज्ञान है ना। तो वो चरम वृत्ति किससे होगी, अब ये प्रसंग जो आ रहा है ना बड़ा महत्व का है, उपासना कार्यात अंतकरण वृत्ति भेदा साक्षात्कार, इसी का नाम साक्षात्कार है। जिस चरम वृत्ति में चरम ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म की ही व्यक्ति होती है और ज्ञान की निवृत्ति होती है, वो होता है साक्षात्कार। वो किससे प्राप्त होता है, उपासना कार्य, उपासना, उपासना यहाँ पर लेना है निध्यासन, श्रवण मनन पूर्वक जो निध्यासन करते हो उसी का नाम यहाँ पर उपासना, क्या ये उपासना का प्रकरण नहीं चल रहा है, ज्ञान का है। उपासना का अर्थ निध्यासन है ना, निध्यासन से होता है साक्षात्कार। इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। आगे फिर उपसंहार करते हैं, उपसंहरते, इसलिए क्या कह दिया अभी भगवान भाष्यकर ने, तस्माद, इसी कारण से, किस कारण से, हाँ वो जो साक्षात्कार है निध्यासन से होने वाला जो साक्षात्कार
है ना, यही पुरुषार्थ है, क्योंकि वही चरम वृत्ति रूपी ज्ञान से निशेष संसार का बीज जो अविद्या आदि है उसकी निवृत्ति होती है, है ना। इस कारण से तस्मात् ब्रह्मा विजिज्ञासितव्यम्, इसलिए जो स्वरूप जो ब्रह्म है वो विशेष रूप से जानने योग्य है। कौन जानना चाहता है? कोई भी जानना चाहता है क्या? बोलते नहीं, मुमुक्षु ही जानना चाहता है, बाकी लोग क्यों जानना चाहेंगे। टीकाकार कह रहा, देखो, उक्त लक्षण न मुमुक्षणा, उक्त लक्षण वाला जो मुमुक्षु है, उक्त लक्षण वाला कौन हो गया? जिसको अथ शब्द से कहा ना, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर, तो साधन चतुष्ट जो संपन्न जो होता है वही तो मुमुक्षु है। वही मुमुक्षु जो है संसार से उनको विवेक वैराग्य हो गया, समाधि सठ संपत्ति उनको हो गई, और उनको ये ज्ञान हो है, शास्त्र से सुना है, महापुरुष से सुना है कि कर्म उपासना इत्यादि का फल जो है अनित्य होता है, और ज्ञान का फल मोक्ष होता है, ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष होता है, ब्रह्मविद आपनोति परम कहा। इसलिए उस स्वरूप ब्रह्म को वो जानना चाहता, उनके जिज्ञास तो ब्रह्म ही होता है, ये बात बोल दिया। न खलु तद ज्ञानम बिना सवासन विविध दुख निदान अविद्या उच्छिद्यते। टीकाकार लिखते हैं, ऐसा ज्ञान के बिना नारायण, कैसा ज्ञान? जो ज्ञान अज्ञान को दूर कर दे, ऐसे ज्ञान के बिना अविद्या का उच्छेद नहीं होता है। वो शास्त्र अध्ययन रूपी ज्ञान वो कुछ नहीं काम का है, है ना? यही ज्ञान ही अविद्या को दूर करता है, ये बोलते हैं। कैसा अविद्या? सवासना विविध दुख, अनेक प्रकार की वासना है, एक प्रकार की वासना नहीं है, अनंत वासना, अनंत संस्कार पड़ा है, और अनेक प्रकार का दुख है, अनंत वासना है, वासना के साथ और अनेक प्रकार का दुख का जो निदान है, निदान बोलते हैं मूल कारण, ये मूल कारण तो अविद्या ही है। उस अविद्या का उच्छेद ज्ञान के बिना तो नहीं हो सकता है, है ना? जैसे विवेक पुणा में नहीं कहते कि जो है ये न औषधि बिना पानम है कि नहीं, औषधि औषधि रटते रहे हाँ, वो व्याधि जाएगी नहीं जाती। इसी प्रकार से ब्रह्म शब्द का रटता रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म शब्द को रटते रहे और ज्ञान नहीं है तो अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार कह रहे, यही ज्ञान ही वृत्ति रूपी ज्ञान ही अविद्या को दूर करता है। और न तो तत् उच्छेद मंत्रणा, और अविद्या का उच्छेद जब नहीं होगा तो है ना, तो विगलित निखिल दुख अनुसंग आनंद घन ब्रह्म साक्षात्कार आविर्भाव जीवस्य। हाँ, ये साक्षात्कार का आविर्भाव कैसे होगा, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।